हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं कि किस तरीके से किसी भी मेंबर के अंदरों होलो से बनाते हैं। मीन्स अगर हमको अलमीरा बनाना है, हमको कोई रैक बनाना है, शू रैक बनाना है, तो हमको किस तरीके से हम लोग उसको होलो करके बनाएंगे, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए कैसे हम लोग को बनाना। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कंपोनेंट पे मेरे लास्ट वीडियोज में आपने देखे होंगे काफी लेक्चर्स, तो आपको पता चल गए होंगे किस तरीके से कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पे जस्ट गो टू मॉडल इन प्लेस एंड देर इज अ केस वर्क। केस वर्क लेने के बाद क्लिक करिए ओके एंड जस्ट ड्रॉ योर एक्सट्रूजन लाइक दिस। एक्सट्रूजन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद जस्ट व्हाट एवर लेंथ विड्थ यू वांट यू कैन जस्ट ड्रॉ हियर। यू कैन यूज लाइन, यू कैन यूज रेक्टेंगल, एलिप्स, सर्किल, व्हाट एवर यू वांट यू कैन यूज लाइक दिस। एंड आफ्टर दिस व्हाट डेप्थ यू वांट, राइट? सो जस्ट सेलेक्ट दिस एंड जस्ट like if you want you can just right click continue like here and whatever depth you want you can just put here. Suppose I want 10 feet, okay, so just click here 10 feet, hit enter. Now just finish and after this just go to 3D model view. You can see here this is at 5 feet. If you want to increase this you can increase like this, okay. Suppose you want a hollow shape between these box, hollow shape between these box means. So how can we use hollow shape? Just go to select select your object and there is a edit in place. After editing in place, once again you can just select this and there is a edit work plane, or you can use here there is a white forms. What? White forms, and in white form there is a white extrusion. यहाँ पे क्या है? White extrusion है. Just click करिए यहाँ पे white extrusion. और इसके बाद कहाँ पे आपको किस face पे चाहिए? आपको पता है कि आपको यहाँ पे जैसे मुझे क्या इसको रैक जैसा बनाना है कुछ, तो हमको ये प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो जस्ट गो टू शो एंड देयर इज अ सेलेक्ट सेट पिक अप प्लेन ओके जस्ट प्लेन पिक अप जस्ट ड्रॉ हियर हाउ मच थिकनेस एंड यू वांट फॉर हॉलो शेप जस्ट ड्रॉ लाइक दिस नो जस्ट ड्रॉ लाइक दिस You can give the dimension also, like if you want to make a dimension you can just select and how much wide you want, like you want from here you can just do like this, okay, and you can do this for outer side also so that you can clear, right? So is tarike se humne kiya okay jab finish model jaise karenge to dekhiye aapke samne ek chota sa rack tayar ho gaya tayar ho gaya na to humne ye dekhna tha is video mein kis tarike se hum log wide फॉर्म्स को वाइट एक्सट्रूजन को यूज करेंगे, किस तरीके से वाइट एक्सट्रूजन से इसको फॉलो करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग वाइट एक्सट्रूजन को यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बहुत ही छोटा वीडियो था, हम इसी तरीके से एक एक कमांड की अलग अलग वीडियोज लेने वाले हैं। सो देट आप जस्ट गूगल पे सर्च करो हाउ टू यूज वाइट एक्सट्रूजन, आपको ये वीडियोज मिल सके और आपका टाइम भी बचे, फटाफट आप अपना काम कर सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ यूजफुल लगाओ तो आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और आगे की वीडियोज को देखने के लिए जस्ट नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।